नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। ईडी ने अब ममता के चहेते मानिक के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सौविक भट्टाचार्य के नाम पर लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वो जांच से बचकर विदेश ना भाग सके। सौविक भट्टाचार्य पर भी करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिससे कहा जा रहा है कि अब सौविक भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। बंगाल में ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर ममता सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार ईडी ने बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य के नाम पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जारी किया गया पहला लुकआउट सर्कुलर नोटिस है। ये लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि माणिक भट्टाचार्य का बेटा किसी भी तरह से देश से भाग न सके। लुकआउट नोटिस की कॉपी न सिर्फ एयरफोर्स अथॉरिटी बल्कि लैंड और सीपोर्ट अथॉरिटी को भी दी गई है। नोटिस की कॉपी सीमावर्ती इलाकों को भी दी गई है। बता दें कि माणिक भट्टाचार्य फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं भर्ती घोटाले में माणिक भट्टाचार्य के बेटे का नाम भी सामने आया था। उन्हें कोर्ट ने तलब किया था, वो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन फिर भी ये नोटिस जारी किया गया। जांच टीम का कहना है कि माणिक भट्टाचार्य की छत्रछाया में भ्रष्टाचार हुआ, वो सौविक भट्टाचार्य की साठगांठ से जुड़ा हुआ है। माणिक भट्टाचार्य को इस मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनका बेटा भी इस मामले में शामिल लोगों में से एक है। ईडी की सौंपी गई चार्जशीट में सौविक का नाम भी शामिल है। इस संबंध में उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इस बीच सौविक ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी। माणिक भट्टाचार्य के बेटे किसी भी सूरत में देश छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जानकारों की माने तो इस बार सौविक भट्टाचार्य को कानूनी लड़ाई में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि राज्य भर में 596 निजी DLED कॉलेज हैं। प्राथमिक शिक्षा मंडल के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य ने प्रदेश के सभी DLED कॉलेजों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया। जांचकर्ताओं ने माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ किए जाने से पहले एक समय के करीबी दोस्त तापस मंडल से भी माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ खुलकर बात की थी। जांच में पाया गया कि माणिक के बेटे की कंसल्टेंसी फॉर्म थी। संस्था ने निजी BA कॉलेजों से अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक यानी 7 महीने के अंदर 2,64,000 रुपए जुटाए, लेकिन कथित तौर पर कॉलेजों को कोई सेवा प्रदान नहीं की गई। ऐसे में पैसे की गणना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और ये सभी चीजें हैं जो जांचकर्ता जानना चाहते हैं। ईडी की तेज होती जांच से TMC की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब माणिक का बेटा सौविक इस घोटाले के राज खोलेगा। आरोप है कि माणिक भट्टाचार्य की छत्रछाया में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो सौविक भ्रष्टाचार के संगठन में जुड़ा हुआ है। इस घोटाले से ना सिर्फ माणिक के परिवार को लाभ पहुंचा, बल्कि कुछ प्राइवेट कॉलेजों को भी लाभ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से सौविक रडार पर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।